व्यापारियों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं पूछता हूं, आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। सेठ साहब, आज तक अपने व्यापार का, अपने दुकान के नफे का, नुकसान का हिसाब रोकड़ खाते में किस किसने बराबर लिखे रखा, वो सब हाथ ऊंचा करो। भाई हम हिसाब किताब बराबर रखते हैं, मैं काला धोला नहीं पूछ रहा हूं, हिसाब है या नहीं आपके धंधों का, मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं कोई मोदी थोड़ी हूं, तुम काहे लिए डरते हो? गुरुदेव ने खुलासा कर दिया, कौन कौन हिसाब रखते हैं, करो भाई हाथ ऊपर ईमानदारी से। सब हिसाब रखते हैं, हाथ ऊंचा नहीं करते। ये जो जो इस जन्म में संतों के सवाल का हाथ ऊंचा नहीं करे, वही अगले जन्म में लकवा आ जावे, वो हाथ ऊंचा करने को होता नहीं। एक साथ में देखो अब कैसे लकवा बोलते, डर से भूत भागे, डर से भूत भी भाग जावे तो इंसान की तो बात क्या है। जय हो, कैसे हाथ ऊंचा कर रहे हैं देखो। गुरुदेव 200 बार बोले हाथ नहीं ऊंचा करे, लकवा 3 अक्षर कैसे खटगट भाई, अगले जन्म में ऐसे होता है। जयकारा गुरुदेव का। तुमको भी बहनों पूछता हूं मैं, तुम्हारे पास कितनी साड़ियां हैं इसका तुमको जरूर गिनती और हिसाब है या नहीं? एक साड़ी नवी आते ही मन में गिनती बढ़ जाती है, 536 क्या? कितने गहने हैं, कितने बर्तन हैं? देखो आपको एक बात पूछता हूं, इतनी तपस्या की, आपकी पड़ोसी नाई एक दिन दही का जामन मांगा, वो खाली हाथ आई थी तो वो कहने लगी कि भूल गई कटोरी लाना, तो आपने अपना वो 5 रुपए वाला स्टील का कटोरी जो होता है छोटा, उसमें दही का जामन डाल के उसको दे दिया। अब आपको एक सवाल पूछता हूं, जब तक वो 5 रुपए का कटोरा वापस घर नहीं पहुंच जाए, जब तक आपको शांति मिलती है क्या? आप बता दो, फिर इतनी तपस्या करके क्या चाटने आए हो? मैं तो ये पूछता हूं। बहने सत्य बोल रही है, नहीं शांति नहीं मिलती तब तक, जब ये कटोरे के प्रति आपका जीव लगा है और आप बोलते हो कि परमात्मा की भक्ति करके हम सब वीतरागी बनेंगे, 5 रुपए का कटोरा जो छोड़ नहीं सकते वो क्या परमात्मा के भक्त बनेंगे? मुझे ये जवाब दो, जिसमें 5 रुपए के कटोरे छोड़ने की ताकत नहीं है। मैं जानता हूं आपका नस नस, मैं इसीलिए तपस्या कराने आया हूं, भूखा मारने पारना कराने नहीं, आपके बारने में संस्कार घुसाने आया हूं, मेरा काम ये। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि स्वभाव बदल नहीं सकता। क्या नहीं बदल सकता? पद्मावती देवी पाताल लोक में बैठी बैठी कंटाल गई है, एक दिन धर्मेंद्र देव को कहती है। कौन है धर्मेंद्र देव? उनके पति। कौन है धर्मेंद्र देव? किसके पति हैं धर्मेंद्र देव? पद्मावती। आज बहनों में आवाज भी आ रहा है, उत्साह भी आ रहा है, भाई पारने में तू क्या खिला दिया रे सचिन, जबरदस्त आइटम है थी पारने में। इसमें किसी ने नहीं पूछा कि गुरुदेव आप भी तो तपस्या कर किए, आपने पारना किया, किसी ने पूछा? कोई पूछे? सब खुद खा ली और खुश हो गई। अभी धर्म पिता का क्या? सभी तपस्वियों को मिलके कहीं भी जाते हैं तो सब तपस्वी मिलके सबसे पहले गुरु महाराज को गोत्री बेरा के उनका पारणा होने के बाद, भाई गुरु महाराज का पारणा हो गया क्या, एक छोटा सा तो अपने मन में एक तो अभिग्रह रखना चाहिए, दूसरा नहीं रखते हैं। भाई हम अभिग्रह रखेंगे आज, परिवार का नहीं, संसार का नहीं, अभिग्रह क्या? गुरु महाराज की तपस्या पूरी हो जाए, उनकी पारणा हो जाए, फिर हम पारणा करेंगे। जब तक खड़े रहेंगे सचिन भाई, जहां भी गुरु महाराज है वो इतने जल्दी हाथ में नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी एक अस्त्र है अभिग्रह नाम का, वो कहीं भी हो उनको आना पड़ेगा, हमारे हाथ से पारणा लेना पड़ेगा, फिर हम पारणा करेंगे। बाप पहले पारणा करे फिर बेटियां करे, कितना आनंद आवे। लेकिन कलयुग है, पंचम काल है, पहले बेटियां पारणा कर ली, बाप तो बगैर पानी यहां बैठ के हवा खा रहा है। अब स्वभाव नहीं बदले इसकी बात से मैं कह रहा था कि पाताल लोक में पद्मावती मां कंटाल गई है,
कामट ने जब उपसर्ग किया तब धरणेन्द्र वहां आए। पार्श्व प्रभु के रक्षा के लिए पद्मावती को लाए। ऐसे हैं धरणेन्द्र देवा ओ, ऐसे हैं धरणेन्द्र देवा मन की मुरादे पूरो, मन की मुरादे पूरो। अब ये कहानी इसलिए समझा रहा हूं, हमारा परिवर्तन तो लेशियाओं का होना था, हमारा सुधार तो विकार से संस्कार की ओर होना था, लेकिन खाली पेट को पट्टी बांधते जीवन भर कहते रह गए कि मैंने अठम किया, मैंने अठई किया, मैंने मांस खमन किया, मैंने वर्षी तप किया। ये तो ऐसे हुआ है जैसे जिंदगी भर धूल तो चेहरे पर जमी रही और जिंदगी भर दर्पण को साफ करते रह गए हम। धूल कहां जमी थी और सफाई कहां हो रही थी? दर्पण की, क्योंकि दर्पण के सामने खड़ा था धूल वाला चेहरा दिखा, उसने सोचा धूल वहां है लगता है, उसको रगड़ता रह गया। तो शरीर को मत रगड़ो, बुद्धि को रगड़ो। ये शरीर बुद्धि से टिका हुआ है, बुद्धि सुधरेगा तो अपने आप विकास का क्रम शुरू हो जाएगा। खाली पेट में पट्टी बांध के कुछ नहीं आएगा। पद्मावती माँ धरणेन्द्र देव को कहती है कि बोर हो रही हूं, कंटाल रही हूं, थोड़ा भूलोक में भ्रमण करके आए क्या? कौन पूछती है? तो धरणेन्द्र देव कहते हैं तेरे को कोई काम धंधा नहीं क्या? कौन सा जगह का नाम ले रही है? वहां गई तो दुखी हो जाएगी, वो मनुष्य लोक है, वहां गड़बड़ बहुत होते हैं, हम वहां जाके क्या करेंगे? इस पाताल के आनंद में, इस मस्ती में, इस आनंद में, आनंदमय है, क्यों जाएं न लपड़ा मोल ले। आपको बोले कि फलानी जगह जा लपड़ा मोल मिलेगा तो जाओगे? कोई जाएंगे लपड़ा लेने? तो धरणेन्द्र देव रोक रहे हैं कि पद्मावती माता मत जाओ। लेकिन देवी है, मां है, कहती है नहीं मैं घूम के तो आऊंगी। अब किसका चलता है भाइयों, किसका चलता है? हाँ भाइयों से पूछेंगे किसका चलता है घर में, किसका चलता है? ग्रह लक्ष्मी का। ग्रह लक्ष्मी, ये बड़ा होशियार है, इसने गृह लक्ष्मी नहीं बोला। देखो बड़ा होशियार, आपको समझ नहीं आवे, उसको मालूम है कि आपको भाषा और व्यवस्था समझ नहीं आता, मेरे को तो आ जाता है। वो बोलना होता तो गृह लक्ष्मी बोल सकता, गृह का अर्थ है घर। उसने बोला ग्रह लक्ष्मी, यानी तुम सब ग्रह हो, एक एक शनि ने राहु ने केतु, उसको मालूम है कि ये ग्रह लक्ष्मियां हैं। जयकारा गुरुदेव का। जब किसी को कहना हो तो हम कहते ना कि ग्रह आ गया है ये ग्रह, तो वो कह दिया कि ग्रह लक्ष्मियां आ गई है, ये सब ग्रह लक्ष्मियां। तो पद्मावती माता जिद्दी में आ गई, तो किसका चलता है आपने ही बताया है। आपके घर में देखो बहनों, आज तो पारने का दिन है, झूठ बोलो तो पूरा तपस्या नाश हो जाए। आपके घर में किसका चलता है? हाथ ऊंचा करो। देखो भाई टीवी वाला, इनका सब फोटो खींचो। जी जी जी, देखा कल भी माता बहने, वो तो अच्छा है कि इतना बड़ा बैरिकेड लगा हुआ है उस तरफ के लोगों को, इस तरफ किसने हाथ ऊंचा किया मालूम नहीं, नहीं तो बेचारा अभी फांसी खा जावे कि मेरा ये हालत है। तो इधर गुप्त रूप से सब हो गया, पर गुरुदेव सब मानते हैं। मैं माताएं बहने कल भी भारी थी, आज भी भारी है, हम सब पुरुष इनके आभारी हैं। स्वर्ग में दो लाइन लगा था, कितने लाइन बाबूलाल साहब? दो लाइन। क्या दो लाइन? एक लाइन पर बोर्ड लिखा था जो जो जीवन भर पत्नी की बातें सुन के जीवन चलाए वो सब इस लाइन में आए। दूसरा लाइन लगा था जो स्वयं की बुद्धि से आया है इधर ऊपर वो इस लाइन में आए। मैं ध्यान से देखा तो दिखा कि उस लाइन में पूरा विश्व खड़ा है, इस लाइन में एक ही आदमी खड़ा है। फिर भी मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक तो खड़ा है,
इसको जाके कम से कम अनुमोदना करके धर्म लाभ तो करके आऊं। तो ध्यान से मैंने अपनी सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के स्वर्ग में पहुंच के वो जो एक लाइन में खड़ा है उसको धर्म लाभ करने गया और कहता हूं तू भाग्यशाली है, पुरुषोत्तम वीर है, तू धन्ना सा, भामा सा, जांजन सा, कर्मा सा, जय हो, तुझे बहुत धन्य है, मैं अनुमोदना करता हूं। आप भी उसको अनुमोदना करोगे कि नहीं? जो सिंगल लाइन में अकेला खड़ा, कौन कौन अनुमोदना करेंगे? पुरुष कर रहे हैं, बहनों ने एक भी हाथ ऊपर नहीं किया। बहना कह के वैसा कोई मेरे हाथ से फिसल गया तो उसका पसीना निकाल दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो अकेले को मैंने जब धर्म लाभ करके अनुमोदना की बात की तो वो शर्म के मारे ऐसे ऐसे करने लगा। मैं बोला तेरे को शर्म क्या भाई, मैं तो अच्छी बात के लिए अनुमोदना करने आया। ऐसे नहीं महाराज, मेरी पत्नी ने ही बताया था कि जहां भी जाते हो तो भीड़ वाले ठिकाने में मत खड़ना, जिस लाइन में भीड़ नहीं हो उसमें खड़ना। उसी की बात से मैं यहां खड़ा हूं बोलता। इधर खड़ा है तो भी पत्नी की बात से ही। तो वो एक भी क्या है, वो जो बचा हुआ एक भी कौन है भाई? वो भी पत्नी के कहने। तो इससे तो ये साबित हो गया कोई बच नहीं सकता। चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोई, आनंद घनसूरी बनारस में विहार करते चल रहे हैं, कबीर का वोट आया, जा रहे हैं तो कबीर रो रहे हैं, आवाज सुनाई दिया। चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। आनंद घनसूरी जाके पूछते कबीरा क्यों रो रहा है? कबीर दास कहते हैं कि ये चक्की जो दिन रात की दो पट्टियों वाली चल रही है इसमें अच्छे अच्छे मनुष्य पीसे जाते हैं, आज तक कोई साबुत नहीं बचा, हर आदमी को काल ने कवलित कर लिया। कोई बचा इस संसार में काल के वश से कोई बचा हुआ है? तो कबीर दास रो के कहते हैं चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। दो पट्टियां दिन और रात की पट्टी चलती है, हम सब इस चक्की में एक दिन पिस के क्या हो जाते हैं? तो आनंद घनसूरी जैन शासन के सर्वोत्तम शिरोमणि जिन्होंने पार्श्व चिंता मणि मेरो मेरो, पार्श्व चिंता मणि मेरो, परम परम तत्व वाले स्तुतियों की रचना किए हुए आनंद घनसूरी कबीर को कहते हैं चलती चक्की देख कर क्यों कबीरा रोए, चक्की के कील में जो जा छुपे। चक्की में ऊपर एक कील होता है जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं, तो आनंद घनसूरी कहते हैं चक्की में वही पीसता है जो उसके खड्डे में जाता है, जो वो उसके कील की तरफ जाके छुप जाता है उसको चक्की भी कुछ नहीं कर सकता। आनंद घनसूरी कहते हैं परमात्मा का नाम स्मरण रूपी कील में जाके जो छुप गया वो काल से कवलित नहीं होगा, वो अमर हो जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। चलती चक्की देख कर क्यों कबीरा रोए, कील के ओट में जा छुपे एनो बाल न बांको होए। कौन कहते हैं? आनंद घनसूरी। तो ऐसी बात है उसके स्मरण में रहने का। पद्मावती देवी की जिद्दी को देख के धरणेन्द्र देव भी कुछ नहीं कर सके, उनको जब कहना पड़ा मृत्यु लोक। तो पद्मावती ने यह सोचा के जाना ही है तो मेरा बेटा वैसे भी पिंपल गांव में पोस्ट दसवीं करा रहा है तो भूलोक में जाना ही है, तो अट्टे टाइम सो जगह तो खड़ी नहीं हो सकती, जाना तो कहीं एक जगह ही है, मैं पीपल गांव ही पहुंच जाऊं। कहां पहुंच गई? पीपल गांव। दोनों चलते 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 आ रहे हैं सचिन बाऊ। सचिन बाऊ के घर की ओर धर्णेन्द्र पद्मावती चल रहे हैं। सचिन भाई के घर में उनके बच्चे, उनके भाई के बच्चे सब खेल रहे हैं। ये खिलकारी सुनते ही आपको बहनों में एक सवाल पूछता हूं, कौन मेरी मन की बात की जवाब देंगे? कौन कौन जवाब देंगे? सात आठ जने। झूठ बोलोगे तो पारना नष्ट हो जाएगा। कोई भी बहन अगर 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख की चांदी की जरी का बेस पहन के
उस पर सोने का कंदोरा जो घुंघरू लगा हो ऐसे लटका के, रत्नों का हार पहन के, बाजूबंद पहन के, नथनी पहन के, सुंदर सज के तुम्हारे सामने निकलती है, तो ऐसे होना चाहिए सभी चीजें हमारे पास भी। ये भाव किस किस को आते हैं? सबका आते हैं ना? आते हैं। तो ये स्त्री स्वभाव है। क्या स्वभाव? जब सचिन भाई के घर में कारी सुनी तो पद्मावती के मन में आ गया कि मेरे कोई बच्चे नहीं। किसके मन में? पद्मावती की। उधर ही खड़ी हो गई सचिन भाई के घर के सामने। आज भी माँ के कुमकुम के पगलिए सचिन भाई के घर के बाहर मिलेंगे, क्योंकि माँ वहां खड़ी है। तो अब माँ कहती है धर्णेन्द्र देव को कि मुझे एक बच्चा दो, फिर मैं यहां से जाऊंगी। मेरे को भी देखो इस घर में कितनी खुशी है, क्योंकि नरेंद्र कहता है कि हमारे ऑर्केस्ट्रा का देखो महिमा, उनकी संगीत वीणा का जो नाद है वो बहुत प्यारा है, आर्गन का जो नाद है वो बहुत प्यारा है, ढोल तबला सुनो कान में खुशी होती है, उस आवाज के सामने कोई आवाज टिक नहीं सकता। मैं कहता हूं इस तीनों लोकों में छोटे बच्चे की खिलखारी से बड़ा सुंदर आवाज कोई संसार में नहीं हो सकता। जय हो। सब आवाज फीका पड़ जाए उस बच्चे के आवाज से। उस बांझड़ियों को पूछो तो मालूम पड़े कि बच्चे की महिमा क्या है, जिसको बच्चा नहीं हुआ। तुमको बहुत हो गया तो अब कोई इज्जत है नहीं। उसको पूछो जिसको हुआ नहीं है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी महिमा क्या है। वो तरसती है, गंगा में जाती है नहाने, शिव मंदिर में जाती है धोने, कहीं कहीं घूमती रहती है कि एक बच्चा हो जाए। जब बच्चा नहीं होता, माँ उस छोटे बच्चे के लिए धर्म जात पंथ सब भूल जाती है, मस्जिद तक में फूंका देने चले जाती है, क्योंकि उसको बच्चा चाहिए। होता है कि नहीं बहनों? तो पद्मावती माँ भी स्त्री है, कहती है बच्चा चाहिए। धर्मेंद्र देव हंसने लगे, हम मनुष्य थोड़ी है जो बच्चा पैदा करते हैं, हम तो देवता है, हमारे कोई बच्चे होते हैं तो क्या बातें करते, हमारे कहां से बच्चे होंगे। तो माँ जिद्दी पकड़ ली, स्त्री हट, क्या हट? स्त्री हट, राज हट ने बाल हट, योग हट, कोई भी उसको कभी बच सकता है नहीं। जिद्दी करके खड़ी हो गई, पीपल गांव छोड़ के जाऊंगी नहीं जब तक बच्चा नहीं मिले। कौन कहती है? अब आगे क्या होगा सुनना है कि नहीं? एक ब्रेक के बाद सुनेंगे। आगे क्या हुआ होगा? धर्मेंद्र देव कहते हैं कि हम देवता है, हमारे कोई गर्भ थोड़ी होता है ना कोई बच्चा होता है, वो तो संसार के लोगों में होता है। वहां सब कर्म अलग है ना, हमारे सब कर्म अलग है। पद्मावती कहती है कि ये बातें मत करो, आप रोम रोम से देव प्रकट कर सकते हो, वो सिर्फ पेट से ही प्रकट कर सकते हैं, आप वैक्रिय लब्धिदारी हो, आप चाहे जो कर। जिद्दी देखा, धर्मेंद्र देव सोचते रह गए कि क्या करूं। इतने में वहां से एक कुत्ता निकल के जा रहा है। क्या? पद्मावती ने कहा कि ये कुत्ते को बच्चा बना के दे दो, आप तो शक्ति वाले हो, इसी को बच्चा बना दो। तो बोले मैं बना दूंगा लेकिन इसका स्वभाव नहीं बदलेगा, ध्यान रखना फिर तू पछताएगी। ओके कोई बात नहीं, आप कर दो। तो उस कुत्ती को धर्मेंद्र देव ने हाथ ऐसा किया, हाथ से किरण निकला, कुत्ती एक क्षण में एक बच्ची हो गई। पद्मावती माँ खुश हो गई कि बच्ची मिल, लेके खिलकारी करते नन्नी सी प्यारी सी, क्या गाता है ना वैसे गाती गाती, छोटी सी प्यारी सी नन्नी से आई कोहे परे, रारा रू रारा रा रारा रू। बड़ी खुश हो के बच्चे को लेके जा रही है। सचिन भाई के घर पीपल गांव से आगे निकल के चौराहे में आ गई, एक घर में जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। क्या आवाज? दयालु है, माँ है, करुणा है। वही खड़ी हो गई कि इस घर में क्या रोने का आवाज है? बोलो क्या आवाज है? उस घर की माँ, परिवार वाले, रिश्ते वाले रो रहे हैं, उनका एक ही बच्चा बीमारी में मर गया। क्या हो गया है? बड़े ही शोक का वातावरण है, करुण क्रंदन है, बड़ा दुख है, सब रो रहे हैं। पद्मावती मन, माँ के मन में वो वस्तु देख के आया
कि मेरी भी तो एक ही है, अगर चले तो मेरा कौन बचे। वही खड़ी हो गई, धरणेन्द्र देव को कहे कि मुझे और एक बच्चा चाहिए, कहीं ये चले जाए तो। धरणेन्द्र देव कहे मैंने पहले ही कहा भूलोक में नहीं जाना, लपड़ा होगा, तू सुनी नहीं। और पहुंच गई, अब लपड़ा लपड़ा करती रहेगी तू यहां। अब वो तो जिद्दी करने लगे, फिर उस जिद्दी को पूरा करने सामने एक बिल्ली जा रही थी, उस बिल्ली को क्या बना दिया धरणेन्द्र देव ने, कह दिया देखो इस बिल्ली बना रहा हूं लेकिन स्वभाव बदलेगा।